वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें से एलिमेंट्री कैनाल आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं शेप, साइज एंड कलर, सिमेट्री, एक्सोस्केलेटन और क्यूटिकल, बॉडी डिवीजन, माउथ पार्ट्स, थोरैक्स, एब्डोमेन। ये सब पार्ट हम सारे के सारे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच की, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जो है एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके थ्रू फूड जो है पास होता है, और फूड का डाइजेशन जो है वो भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होगा विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसके अंदर थ्री पार्ट्स, थ्री रीजन्स के अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल डिवाइड होती है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट जो है इसके अंदर फर्दर जो सबसे जो एलिमेंट्री कैनाल का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होगा उसको हम फोरगट बोलते हैं। फोरगट के अंदर प्री ओरल कैविटी, माउथ, फैरिंग्स, ईसोफेगस, स्क्रोप एंड गिजार्ड प्रेजेंट होते हैं। देन मिडगट मिडल वाला पोर्शन होता है, एंड हाइंडगट के अंदर इलियम, कोलन एंड रेक्टम प्रेजेंट होते हैं, एंड फाइनली एनस के अंदर ओपन होता है रेक्टम। तो ये जो एलिमेंट्री किनाल है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें, लॉन्ग एंड कोल्ड ट्यूब होती है एक, जिसके अंदर ये तीन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया, फोरगट और स्ट्रोमोडियम, मिडगट और मेजिंट्रोन, हाइंडगट और प्रोक्टोडियम। ये तीन पार्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से फोरगट एंड हाइंडगट होते हैं एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एंड जो मिडगट होती है बीच वाली वो होती है एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एंडो मीन्स इनर और मिड यानी कि बीच वाली, तो बीच वाली यहाँ पे क्या होती है एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है, और जो बाहर हो गई यहाँ पे फोरगट एंड हाइंडगट, ये होती है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। और इसके अलावा अगर हम बात करें फोरगट एंड हाइंडगट की, ये लाइंड होती है थिन क्यूटिकल यहाँ पे लाइन करती है, और कंटिन्यूस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम मिडगट की बात करें तो यहाँ पे क्यूटिकुलर लाइनिंग की डिवोइड्स प्रेजेंट होती है, जो कि फूड जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसको एब्जॉर्ब करने के कैपेबल होंगे। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें फोरगट और स्ट्रोमोडियम की, इसके अंदर सबसे फर्स्ट प्री ओरल कैविटी, जिसमें माउथ पार्ट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि जो माउथ पार्ट्स है वो प्री ओरल कैविटी जो है, एक प्री ओरल कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और माउथ पार्ट्स जो है उस कैविटी से बाउंड किए जाते हैं। तो प्री ओरल कैविटी होगी सबसे पहले, देन माउथ होगा, फिर यहाँ पे फेरिंग्स प्रेजेंट होगा, फेरिंग्स के बाद यहाँ पे ईसोफेगस, क्रोप एंड गिजार्ड तक क्या प्रेजेंट होगी, ये इतनी क्या होगी यहाँ पे फोरगट हो गई। तो सबसे फर्स्ट अगर हम प्री ओरल कैविटी की बात करें, प्री ओरल कैविटी एक सूडो सील कैविटी होती है, बाउंडेड बाई माउथ पार्ट्स से बाउंडेड होती है। माउथ पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, अब माउथ पार्ट्स के अंदर ये जो बाउंड होती है, बाउंडेड बाई लेबरम एंटीरियरली, एंटीरियर साइड में ये लेबरम से बाउंड करती है, डोर्सली बाई लेबियम, एंड इसके बाद पोस्टीरियरली, वेंट्रली एंड लेटरली बाई मैंडिबल्स एंड फर्स्ट मैगजिले। ये जो मैंडिबल्स और फर्स्ट मैगजिले प्रेजेंट होंगे उनसे बाउंड की जाएगी। तो सारे की सारी ओरल कैविटी जो है वो बाउंड की जा रही है माउथ पार्ट्स के थ्रू। इसके बाद इसके अंदर एक माउथ पार्ट्स और बच गया है, टंग लाइक हाइपोफेरिंग्स, एक टंग लाइक हाइपोफेरिंग्स भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे। हाइपोफेरिंग्स के फर्दर दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से सब फर्स्ट होता है सिबेरियम, जो प्रेजेंट होता है बिटवीन लेब्रम एंड हाइपोफेरिंग्स, जो लेब्रम एंड हाइपोफेरिंग्स है इनके बिटवीन प्रेजेंट होगा। एंड सेकेंड इज द सेलिवेरियम, जो प्रेजेंट होगा बिटवीन लेबियम एंड हाइपोफेरिंग्स। तो एक प्रेजेंट है लेब्रम एंड हाइपोफेरिंग्स के बीच में, ये यहाँ पे लेब्रम हो गया ये, और बीच में यहाँ पे हाइपोफेरिंग्स प्रेजेंट होगा, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा इनके बीच में। एंड जो सेलिवेरियम है वो प्रेजेंट होगा बिटवीन लेबियम एंड
हाइपोफैरिंक्स के बीच में। तो ये प्री ओरल कैविटी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, माउथ। माउथ की अगर हम बात करें, माउथ एक स्लिट लाइक अपर्चर होता है एट द टिप ऑफ द प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी के टिप के ऊपर जो प्रेजेंट होगा एक स्लिट लाइक अपर्चर, उसको ही माउथ बोलते हैं। माउथ जो है फैरिंग्स के अंदर लीड करता है, माउथ लीड करेगा फैरिंग्स के अंदर। फैरिंग्स क्या होता है यहाँ पे, एक शॉर्ट एंड ट्यूबुलर पार्ट होता है। ये अगर हम बात करें फैरिंग्स की, तो ये एक शॉर्ट एंड ये ट्यूबुलर पार्ट यहाँ पे फैरिंग्स प्रेजेंट होता है। ये वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ये फेरिंग्स प्रेजेंट। और ये जो दिख रहा है हमें हेड है, और इसके यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, ब्लैक वन आईज प्रेजेंट है, कंपाउंड आईज। तो इस वाले पोर्शन की हम बात कर रहे हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स क्या होता है, शॉर्ट एंड ट्यूबुलर होता है यहाँ पे। क्यूटिकुलर लाइनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और इन लाइनिंग में से भी जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वहाँ पे ये लाइनिंग मोर फोल्डेड प्रेजेंट होगी, और ज़्यादा फोल्डेड प्रेजेंट होगी यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे डायलेटरी मसल्स प्रेजेंट होती है, जो कि डायलेशन का काम करेगी, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करेगी फेरिंग्स को, कॉन्ट्रैक्ट करेगी और एक्सपेंड करेगी। जो ये डायलेटरी मसल्स है, ये अराइज कहाँ से होती है, ये एक्सटेंडिंग होती है वॉल ऑफ बकल चैम्बर, जो इसके अंदर बकल चैम्बर प्रेजेंट होता है, और जो फेरिंग्स प्रेजेंट होता है वहाँ से ये एक्सटेंड होती है, और एक्सटेंड होके ये हेड के अंदर एक पार्ट होता है टेंटोरियम, इंटरनल स्केल्टन होता है हेड का, और स्क्लेराइट्स होते हैं हेड कैप्सूल की, उनके अंदर ये क्या कर देती है, इंसर्ट होती है। एक्ट क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, डायलेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एंड एक्सपेंड करने का काम करेगी। फेरिंग्स जो है सबसे फर्स्ट तो ये वर्टिकली एक तरह से पास होता है। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें, ये वर्टिकली पास यहाँ से हो रहा था, ये वर्टिकली आ रहा था यहाँ पे, और इसके बाद क्या होगा, ये बैकवर्डली मूव कर जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं ये यहाँ पे बैकवर्डली एक्सटेंड कर जाएगा यहाँ पे। एक्सटेंड करने के बाद ये ईसोफेगस को ज्वाइन करेगा, ये बैकवर्ड पीछे की तरफ एक्सटेंड कर जाएगा सीधे आने की बजाय, और ये ईसोफेगस को ज्वाइन कर लेगा। ईसोफेगस नैरो स्ट्रेट थिन वॉल्ड लेटरली कंप्रेस्ड ट्यूब होती है। एंटर्स प्रोथोरेक्स, ये जब एंटर करती है तो ये प्रोथोरेक्स के अंदर होती है, यानी कि जो प्रोथोरेक्स वाला पार्ट है उसके अंदर एंटर करती है थ्रू नेक, एंड ग्रेजुअली डायलेट्स इनटू अ लार्ज पियर शेप्ड सैक। और बाद में क्या बन जाती है, ये जैसे जैसे धीरे धीरे आगे की तरफ एक्सटेंड करती है, तो उस टाइम पे ये डायलेट हो जाती है, एक लार्ज पियर शेप की, ऐसे ये जो स्ट्रक्चर ये ले लेती है, एक पियर शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर देती है, और इस पियर शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रॉप। ये जो पियर शेप स्ट्रक्चर बना है इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। जो ईसोफेगस है इसकी वॉल्स इंटरनली फोल्डेड होती है, ईसोफेगस की वॉल्स जो है इंटरनली फोल्डेड होगी। ईसोफेगस जो है क्रोप के अंदर लीड करेगा, नेक्स्ट पार्ट होगा क्रोप के अंदर, ये लीड करेगा। क्रोप लार्जेस्ट पार्ट होता है, और ये इंटरनल फोल्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर इनर सरफेस जो है बैकवर्डली डायरेक्टेड यहाँ पे सीटे प्रेजेंट होते हैं, एंड आउटर सरफेस इज द नेटवर्क ऑफ ट्रैकी। जो ट्रैकी होंगे यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए वो आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे। देन काम क्या होगा क्रोप का, ये जो क्रोप है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रिजर्वोयर फॉर फूड स्टोरेज, यानी कि फूड को जो स्टोरिंग का काम है वो करेगा क्रोप। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्रोप जो है वो लीड करेगा गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर, गिजार्ड और प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर ये लीड करेगा। कॉनिकल बल्ब लाइक मस्कुलर थिक वॉल्ड सैक होता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, कॉनिकल होगा, बल्ब लाइक होगा, मस्कुलर होगा एंड थिक वॉल्ड होगा।
इसके अंदर फर्दर दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर में इसके अंदर आर्मेरियम प्रेजेंट होता है, एंटीरियर आर्मेरियर, एंड पोस्टीरियर में इसके अंदर स्ट्रोमोडियल वॉल्व प्रेजेंट होती है। ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये स्ट्रोमोडियल वॉल्व है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें एंटीरियर आर्मेरियम की, वॉल जो है इसकी इंटरनली फोल्डेड होती है, अल्टरनेटिंग विद सिक्स डीप लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स। यहाँ पे ऐसे सिक्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे। ये जो यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स ये बने हुए हैं, यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडनल सिक्स लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स बने होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, टिथ प्रेजेंट होते हैं, कॉनिकल टिथ प्रेजेंट होंगे एंटीरियर पार्ट के अंदर, टिथ प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ये क्यूटिकुलर टिथ यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्यूटिकुलर टिथ्स प्रेजेंट होंगे। बिसाइड्स दिस यहाँ पे ब्रिसल्स प्रेजेंट होंगे पोस्टीरियर पार्ट के अंदर, ब्रिसल्स जो है यहाँ पे पोस्टीरियर पार्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा था। अगर हम बात करें गिजार्ड की, इसके ये क्रॉप हो गया, इसके बाद गिजार्ड प्रेजेंट था, तो यहाँ पे ऐसे ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर पैड और पल्विलस प्रेजेंट होता है, एक सॉफ्ट कुशन लाइक लोब होता है जिसको पैड और पल्विलस बोलते हैं, जो कि स्ट्रेनर की तरह एक्ट करता है, यानी कि ये क्या करेगा, अलाउ ओनली फाइन फूड पार्टिकल्स, सिर्फ ये फाइन फूड पार्टिकल्स को ही अलाउ करेगा कि वो अंदर की तरफ आए। फाइनली ये ओपन हो जाता है स्ट्रोमोडियल वॉल्व के अंदर। स्ट्रोमोडियल वॉल्व जो है यहाँ पे एक स्पाउट लाइक नैरो ट्यूब होती है, ये एक स्पाउट लाइक यहाँ पे ये स्ट्रोमोडियल वॉल्व प्रेजेंट होगी, एक ट्यूब होती है जो क्या करती है, मिडगट तक रन करती है, एक्सटेंड करती है मिडगट तक। ये अपने आप को ऐसे फोल्ड करती है ताकि ये मिडगट तक क्या कर सके, एक्सटेंड हो सके। काम क्या करती है, प्रिवेंट्स रिगर्गिटेशन ऑफ फूड फ्रॉम मिडगट इनटू गिजार्ड। इसका काम होता है यानी कि जो स्वेलिंग करनी है फूड की, इसको करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वापस से मिडगट से गिजार्ड के अंदर ना जाए, उसको ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है। जैसे काम करते हैं स्फिंक्टर्स भी यही काम करते हैं, फूड को उसका एक तरह से बैक में नहीं जाने देते, वही काम इसका होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है मिडगट होती है, फॉरगट हमने डिस्कस कर ली, नेक्स्ट मिडगट होगी। मिडगट और जो मेजिंट्रोन है उसको वेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, लाइंड वाई विद कोलुमुलर ग्लैंडुलर सेल्स, कोलुमुलर और ग्लैंडुलर सेल्स की लाइनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंड ये फॉर्म करती है ट्रू स्टमक। जो मिडगट है ये ट्रू स्टमक फॉर्म करती है, इस ये करती क्या है, डाइजेशन करेगी, एब्जॉर्प्शन करेगी, डाइजेशन भी करेगी यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन भी होगा। और इसके आउटर साइड पे सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर एंटेरिक और हिपेटिक सीके भी प्रेजेंट होते हैं, एंटेरिक और हिपेटिक सीके जो है फिंगर लाइक ब्लाइंड प्रोसेसेस होती है। ये जो यहाँ पे हमें फिंगर हिपेटिक सीके ये जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, जो ये क्या है, हिपेटिक सीके है। इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का, सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर देंगे। इसके अलावा इसके अंदर मालफीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, ब्लाइंड थ्रेड लाइक येलो कलर की लॉन्ग 60-150 फाइन ट्यूब्स प्रेजेंट होंगी, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिनको मालफीजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, जो कि एक्सटेंड करती है फ्रीली हीमोसिल के अंदर, हीमोसिल के अंदर ये क्या करेंगी, फ्रीली एक्सटेंड करेंगी। ये जो ये हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर्स ये क्या है, यहाँ पे मालफीजियन ट्यूब्यूल्स है। ये जो मालफीजियन ट्यूब्यूल्स है ये कंसर्न्ड होते हैं एक्सक्रीशन के साथ, ये एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम हाइंड गट और प्रोक्टोडियम की बात करें, इसके अंदर इलियम कोलम एंड रेक्टम ये प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे फर्स्ट अगर इलियम की बात करें, इलियम की जो वॉल होती है वो थिन एंड इंटरनली फोल्डेड होती है,
थिन होगी एंड इंटरनली फोल्डेड यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। और इसके अंदर इसके पोस्टीरियर एंड पे कुछ इसका पोस्टीरियर एंड जो है वो करेक्टराइज किया जाता है, कुछ यहाँ पे प्रोसेसेस प्रेजेंट होती है और इन प्रोसेसेस को स्पिक्यूल्स बोला जाता है। 6 टाइनी ट्राइंगुलर लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्पिक्यूल्स बोला जाता है, और ये स्पिक्यूल्स जो है स्फिंक्टर की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि जो बैक फ्लो है उसके अंदर ये उसको प्रिवेंट करेंगे। एक रिंग लाइक इंटरनल फोल्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक रिंग लाइक इंटरनल फोल्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा जो कहाँ प्रेजेंट होगा, जो इलियम एंड कोलन का जंक्शन है वहाँ पे, इलियम एंड कोलन का जंक्शन, ये यहाँ पे इलियम प्रेजेंट होगी और कोलन, इन दोनों का जो जंक्शन होगा वहाँ पे एक फोल्ड प्रेजेंट होगा। तो अगर हम कोलन की बात करें, इसकी वॉल जो है अगेन इंटरनली फोल्डेड होती है, लार्जेस्ट रिलेटिवली थिकर एंड कोइल्ड पार्ट होता है हाइंड गट का, हाइंड गट का ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। एंड फाइनली कोलन जो है वो रेक्टम के अंदर ओपन होगा, रेक्टम जो है स्मॉल एंड ओवल चैम्बर होता है, स्मॉल एंड ओवल चैम्बर होगा यहाँ पे, इसकी वॉल इंटरनली रेज्ड होगी और इंटरनली रेज होके ये 6 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स फॉर्म करेगी, ये यहाँ पे 6 लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स फॉर्म करेंगी। और ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स जो है ये इनको रेक्टल पैपिले और रेक्टल पैड्स और रेक्टल ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो फोल्ड यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे ये वाले फोल्ड जो बने हैं, ये क्या है, रेक्टल पैपिले है जिनके अंदर ये ट्रैकिया प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके अंदर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर प्रेजेंट है, देन सर्कुलर मसल लेयर प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एपिथीलियम एंड क्यूटिकल प्रेजेंट है। फाइनली रेक्टम जो है वो एनस के अंदर ओपन हो जाएगा, एनस इज अ स्लिट लाइक अपरेचर जो प्रेजेंट होती है एब्डोमन के जो लास्ट सेगमेंट है बिनेंथ द 10th टर्जम, 10th टर्जम जो होगा उसके बिनेंथ प्रेजेंट होगी एनस। तो ये जो पार्ट्स हैं ये हो गए हाइंड गट के, और एलिमेंट्री कैनाल के हमने डिस्कस कर लिया पहले, फोर गट, मिड गट एंड देन हाइंड गट। तो ये यहाँ तक एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। If you like the video, please do like, share with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.